राजकीय प्राथमिक विद्यालय घटगाड़ में तैनात शिक्षक का तबादला किए जाने से नाराज ग्रामीणों ने जिलाधिकारी से मुलाकात की तथा शिक्षक का तबादला रोके जाने की मांग की। ग्रामीणों ने बताया कि घटगाड़ का विद्यालय दुर्गम में स्थित है तथा वहां तैनात शिक्षक राजेंद्र प्रसाद दुर्गम में सेवा देना चाहते हैं, लेकिन उन्हें जबरन सुगम विद्यालय में भेजा जा रहा है। शिक्षक ने भी दुर्गम विद्यालय घटगाड़ में सेवा देने की इच्छा जाहिर की है। ग्रामीणों ने इस मामले में जिलाधिकारी से हस्तक्षेप करने की मांग की है। इधर जिलाधिकारी रीना जोशी ने ग्रामीणों को समाधान का भरोसा दिलाया है। महोदय, हमारे गांव की अभी ये मांग चल रही है कि प्राइमरी विद्यालय में जो हमारे कार्यरत अभी राजेंद्र प्रसाद जी हैं, वहाँ पे टीचर हेडमास्टर के रूप में वहाँ पे अभी कार्य कर रहे हों, और उन्हीं की मांग को लेकर हम यहाँ पे सभी ग्रामीण आए हुए हैं, क्योंकि उनकी शिक्षा से बच्चों को काफ़ी अच्छा प्रभावित किया हुआ है अभी तक गाँव में। अगर उनका ट्रांसफ़र होता है जब, तो फिर वहाँ की जो बच्चों की समस्याएं और ज़्यादा गंभीर हो जाएंगी। वहाँ पे कोई इतनी जल्दी कोई अन्य टीचर भी नहीं आ पाएंगे वहाँ पे। तो हम सभी लोग ग्रामीण चाहते हैं कि उनका स्थानांतरण ना होकर वहीं कार्यरत बने रहे आगे के लिए। अभी डीएम साहब से भी नहीं मिले हैं, अभी जैसे उनकी अभी मीटिंग खत्म होती है उसके बाद हम उनसे मुलाकात करते हैं। आज ग्राम सभा घटगाड़ में जो प्राथमिक विद्यालय है घटगाड़, उसमें जो कार्यरत अध्यापक है हमारे राजेंद्र कुमार जी, उनका ट्रांसफ़र कर दिया गया है, और 40-50 बच्चे वहाँ पर अध्ययनरत है अभी वर्तमान में, और उनका तबादला करने से उन बच्चों की पढ़ाई में असर यहाँ पर देखने को मिलेगा। आप देखते हैं कि बहुत सारी कमियाँ आज भी हमारी जो प्राथमिक स्तर की जो शिक्षा है उस पर है। अगर राजेंद्र कुमार जी का अगर ट्रांसफ़र होता है तो जो बच्चों की जो शिक्षा है उस पर उनका असर पड़ेगा। हम सभी गाँव से यहाँ पर ग्रामीण से यहाँ पर आए हुए हैं, और सभी लोगों की ये मांग है कि उनको वहाँ पर उनकी नियुक्ति पुनः वहाँ की जाए, और उनका ट्रांसफ़र घटगाड़ से, मतलब जो अभी दुर्गम में है, और वो भी चाहते हैं कि मैं अपनी जो सेवा है वहाँ पर दूँ, और ग्रामीणों ने उनसे आग्रह किया है और वो तैयार हैं, और हम अभी डीएम साहब को विज्ञापन MBM सौंप है, और हम ये हमारी ये मांग की जल्दी से जल्द उनकी बहाली वहाँ पर की जाए। TCN न्यूज के लिए ब्यूरो रिपोर्ट, बागेश्वर।